हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन के बारे में। ऐसा होता है कभी भी दोस्तों कि हम लोग कभी इंटरव्यू देने आते हैं तो हमें वहां पर पूछा जाता है कि वी लुकअप क्या होता है, एच लुकअप क्या होता है। हम लोग पूरा एक्सेल कर लेते हैं लेकिन हमें वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में पता नहीं होता है कि ये लोग ये फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि एच लुकअप और वी लुकअप को किस तरह से हम लोग अपने एक्सेल में यूज कर सकते हैं और किस प्रकार से इसको हम लोग किस प्रकार से कैसे हम लोग उसको कार्य कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, वी लुकअप क्या होते हैं और एच लुकअप फंक्शन एक्सेल में क्या होते हैं। सामने स्क्रीन पर आपको एक छोटी टेबल बनी दिखाई दे रही है दोस्तों, कि इसमें आपके सामने तीन हेडिंग है, आइटम, क्वांटिटी और रेट। आइटम में मैंने कुछ आइटम के नाम लिखे हैं, जैसे माउस, सीपीयू, लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूपीएस, कीबोर्ड, डीवीडी, स्पीकर और प्रिंटर। और इनकी क्वांटिटी लिखी है, मीन्स क्वांटिटी मीन्स कितने हमारे पास स्टॉक में इनका माल कितना बच रहा है। और इनके रेट मैंने अंदाज से रेट लिखे हैं कि माउस का रेट कितना है 200 और सीपीयू का रेट कितना है 5000। इस तरह से मैंने कुछ रेट लिखे हैं। अब मुझे इसी के ऊपर वर्टिकल यानी कि वी लुकअप फंक्शन को यूज करके दिखाना है कि वी लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है और वी लुकअप फंक्शन को हम लोग अपने इस टेबल पर कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहले उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, जो वी लुकअप लुकअप वी वी मींस होता है वर्टिकल और एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। तो पहले हम बात करेंगे वी लुकअप के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस हेडिंग को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और इस हेडिंग को कॉपी करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आपकी तीनों हेडिंग वाली यहाँ पर आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, आने के बाद अब क्या करना है आपको, आइटम पर यहाँ पर इस वाले आइटम पर अब हम यूज कर रहे हैं वी लुकअप फंक्शन। तो आपको यहाँ पर आइटम पर क्लिक करना है। आइटम पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है डेटा के ऊपर, और डेटा के ऊपर जाने के बाद आपको जाना है कहाँ पर, डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करके आपको डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। और डेटा वैलिडेशन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो खुल कर आ जाएगी। और इस विंडो में आपको यहाँ से जहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लिस्ट को सिलेक्ट करनी है। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से ये वाला ऑप्शन, आपका सोर्स वाला ऑप्शन खुल कर आ जाएगा। अब इस सोर्स वाले ऑप्शन में क्या करना है, जो आइटम आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आइटम माउस, सीपीयू, लैपटॉप, ये दिखाई दे रहे हैं, इसको यहाँ से पूरा आपको यहाँ से पूरा सेलेक्ट करना है। कैसे, आप यहाँ से पूरा सेलेक्ट करिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। जो आपने सेलेक्ट किया है इसका यहाँ से यहाँ तक का पूरा एड्रेस यानी कि एब्सोल्यूट एड्रेस आपका यहाँ पर आ चुका है, कहाँ पर, सोर्स पे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि आइटम ऑप्शन के ऊपर एक छोटा सा बटन बन कर आ गया है। जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे, जो लिस्ट हमने यहाँ पर कॉपी की थी वो लिस्ट पूरी पूरी आपके सामने आ चुकी है। ये इसको बोलते हैं, ये लिस्ट आपकी आ चुकी है। अब इस लिस्ट पे यानी कि अब हमें क्या करना है, अब हमें वी लुकअप फंक्शन को यूज करना है। कैसे यूज करना है वो आप लोग बने रहिए पूरी वीडियो मेरे साथ और समझते रहिए कैसे हम लोग इसको वी लुकअप फंक्शन को हम लोग कैसे यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इसके नीचे क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू लगाना है। इज इक्वल टू लगाने के बाद आपको लिखना है वी लुकअप। वी लुकअप लिखते ही आप आपको क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए प्रेस करनी है कीबोर्ड से, कंट्रोल प्लस ए। जैसे ही कंट्रोल प्लस ए की प्रेस करेंगे आपके सामने एक छोटी सी विंडो खुल कर आ जाएगी, यानी कि वी लुकअप का फंक्शन आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब क्या करना है, इसमें चार ऑप्शन आ रहे हैं, लुकअप वैल्यू में क्या देना है और टेबल एरे में क्या देना है और कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या देना है और रेंज लुकअप में क्या देना है, ये मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। सबसे पहले क्या करना है, लुकअप वैल्यू में आपको इसका यानी कि यहाँ पर ये आइटम लिखा है यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो इसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर, लुकअप वैल्यू में। अब इसके बाद टेबल एरे में क्या करना है, टेबल एरे में क्लिक करने के बाद आपने जो टेबल, आपको पूरी टेबल यहाँ दिखाई दे रही है, इस टेबल को, पूरी टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। पूरी टेबल को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, पूरी टेबल से सेलेक्ट करेंगे तो उसका पूरी टेबल का एड्रेस A1 से लेकर C10 तक आपका पूरा यहाँ आ चुका है। और कॉलम इंडेक्स नंबर में आप यहाँ पर कॉलम नंबर 1 दे दीजिए। कॉलम नंबर 1 देने के बाद आपको रेंज लुकअप में यहाँ पर आपको वैल्यू क्या देनी है, यहाँ वैल्यू आपको 0 दे देनी है।
ये करने के बाद, इतना करने के बाद आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह से ये आइटम, नीचे आइटम आ चुका है। अब आप क्या करना है, ये जैसा प्रोसेस आपने आइटम के ऊपर अप्लाई किया है, सेम वही प्रोसेस आपको क्वांटिटी के ऊपर भी अप्लाई करना है। कैसे, आप यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इज इक्वल लगाइए और लिखिए वी लुक आप लिखिए। वी लुकअप लिखने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करना है। उसके बाद लुकअप वैल्यू में आपको आने के बाद यहाँ पर आपको आइटम पर क्लिक करना है, आइटम पर क्लिक करना है, क्वांटिटी पर नहीं, आइटम पर। आइटम पर, आइटम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको टेबल एरे में वही सेम सब कुछ सेलेक्ट करना है जो आपको पूरी टेबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ कॉलम इंडेक्स में, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स में 2 देना है। पहले वाली में हमने यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर हमने 1 दिया था, यहाँ पर 2 देना है। और फिर रेंज लुकअप में यहाँ पर 0 देना है। 0 देने के बाद ओके कर देना है। अब जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, सेम ऐसी ही प्रोसेस हमें रेट पर भी अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर इक्वल करिए, इक्वल करने के बाद आप लगाइए वी लुक आप लगाइए और कंट्रोल ए प्रेस करना है कीबोर्ड से। उसके बाद आइटम पे, यहाँ पर लुकअप वैल्यू पर क्लिक करने के बाद आइटम के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद टेबल एरे में क्या करना है, टेबल एरे में वही प्रोसेस करना है क्या, कि पूरी पूरी लिस्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स में आपको नंबर 3 देना है और रेंज वैल्यू में आपको यहाँ पर 0 देना है। इस प्रकार से आइटम, क्वांटिटी और रेट तीनों पर हमने लुकअप वी लुकअप फंक्शन को अप्लाई कर दिया है। अब ओके कर देना है। इस प्रकार से करने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो सा भी हमें, जिस आइटम का भी हमें जानकारी लेनी है, हम उस आइटम को पर क्लिक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने माउस पे क्लिक करा, जैसे ही माउस पे क्लिक करेंगे तो माउस का आपकी क्वांटिटी और रेट दोनों खुलकर सामने आ जाएंगे। उसी प्रकार से जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे यूपीएस, यूपीएस के बारे में भी, यूपीएस यानी क्वांटिटी, हमारे पास स्टॉक में क्वांटिटी 8 है और उसके रेट 1200 है। अगर हम कहें कि हमें स्पीकर के पता करने हैं तो हम इसी स्पीकर के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद क्वांटिटी दर्शाएगी, क्वांटिटी स्पीकर की दर्शाएगी और ये 500 आपके यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग दोस्तों यहाँ पर हम वी लुकअप फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर यदि हम बात करें कि यही, अगर यही फंक्शन, मतलब कि यही इसी लिस्ट के ऊपर मुझे एच लुकअप फंक्शन अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। नीचे से मतलब ये कि हम एक काम करते हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको पूरे को सेलेक्ट किया, कॉपी किया इसको हमने, इसको कॉपी किया हमने। कॉपी करने के बाद हमने, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, पेस्ट स्पेशल करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें लिस्ट हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनानी है। ये लिस्ट जो थी आपकी, ये तो वर्टिकल में थी, इसलिए हमने यहाँ पर वी लुकअप फंक्शन का यूज़ किया था। अब हमें यहाँ पर हमें एच लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो हमें लिस्ट भी कौन सी, ये लिस्ट भी हमारी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। तो इसलिए हमने इस लिस्ट को, इस पूरी लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद हमने कॉपी किया और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको हम ट्रांसपोज के रूप में यहाँ पर पेश कर देते हैं। मीन्स लिस्ट वही है, बस लिस्ट आपकी वर्टिकल ना होकर हॉरिजॉन्टल लिस्ट आपकी तैयार हो गई है। जैसा कि प्रोसेस आपने यहाँ पर अप्लाई किया था वी लुकअप फंक्शन पे, वही अप्लाई आपको यहाँ करना है, किसके ऊपर, वही करना है आपको किसके ऊपर, एच लुकअप फंक्शन के साथ। कैसे, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम इसको कॉपी करते हैं, किसको, तीनों हेडिंग को कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पेश कर दीजिए। पेश करने के बाद आप क्या करना है, आप यहाँ पर क्लिक करिए आइटम के ऊपर। आइटम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आप जाइए कहाँ पर, डेटा पे। डेटा में जाने के बाद आपको क्लिक करना है वैलिडेशन के ऊपर, और वैलिडेशन के ऊपर जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है क्या, आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट, और लिस्ट के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पूरी आइटम वाली लिस्ट यहाँ से सेलेक्ट करनी है। इस प्रकार से पहले हमने सेलेक्ट की थी, इस प्रकार से जब हम वी लुकअप फंक्शन यूज़ कर रहे थे, अब हम यूज़ करेंगे एच लुकअप फंक्शन। तो आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी है इस प्रकार से। सेलेक्ट करने के बाद आपकी लिस्ट का पूरा एब्सोल्यूट सेलेक्टनेस यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए आपकी लिस्ट वैसी ही बन के आ चुकी है, जैसे कि आपकी लिस्ट ऊपर आपकी यहाँ पर पहले बन के आ रही थी, यहाँ पर जैसे आपकी लिस्ट यहाँ बन के आ रही थी, वैसी लिस्ट आपकी नीचे बन के आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इक्वल लगाकर एच लुक
अब फंक्शन यूज करके कंट्रोल ए को प्रेस करना है। ऊपर हमने यूज किया था वी लुकअप फंक्शन प्रेस करके, वी लुकअप फंक्शन लिखकर हमने कंट्रोल ए किया था। यहाँ पर आपको एच लुकअप फंक्शन लिखकर हमें कंट्रोल ए प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर लुकअप वैल्यू में क्या देना है, लुकअप वैल्यू में आपको यहाँ पर आइटम के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको पूरी पूरी टेबल सेलेक्ट कर देनी है। इस प्रकार से सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर यहाँ देना है, आपको कॉलम वन देना है और यहाँ वैल्यू आपको 0 देनी है और ओके कर देना है। सेम जैसे आपने इस पे किया है सेम वही प्रोसेस आपको क्वांटिटी के ऊपर करना है। कैसे, इक्वल लगाकर एच लुकअप करना है, उसके बाद कंट्रोल ए करना है। सेम वही क्लिक करने के बाद आपको आइटम पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद पूरी टेबल आपको सेलेक्ट करनी है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर कॉलम नंबर 2 देना है, रो नंबर 2 देनी है और वैल्यू आपको यहाँ पर 0 दे देनी है, उसके बाद ओके कर देना है। ये प्रोसेस हो चुका है क्वांटिटी के ऊपर। अब हम करते हैं रेट के ऊपर। सेम रेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इक्वल करना है, और एच लुकअप क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए करिए, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद आइटम के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आने के बाद सेकंड कॉलम में, इस सेकंड वाले बॉक्स में आने के बाद पूरी की पूरी लिस्ट को सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर रो नंबर 3 देनी है और वैल्यू यहाँ पर 0 देनी है। देने के बाद आपको ओके कर देना है। इस प्रकार से आपका ये एच लुकअप फंक्शन यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब कैसे हुआ है हम देखते हैं। हमने क्लिक किया यहाँ पर और हमें मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप के रेट पता करने हैं और प्लस क्वांटिटी देखनी है कि हमारे स्टॉक में कितना माल है लैपटॉप का और रेट कितने हैं। तो हमने लैपटॉप पे क्लिक किया। जैसे ही हमने लैपटॉप पे क्लिक किया, लैपटॉप पे क्लिक करते ही आपके सामने लैपटॉप और क्वांटिटी 5 और रेट 2000 आपके सामने आ चुका है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, है ना। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब यदि हमें फॉर एग्जाम्पल यदि हमें प्रिंटर के पता करना हो कि प्रिंटर की क्वांटिटी कितनी है, प्रिंटर पर क्लिक करिए। प्रिंटर पर क्लिक करने के बाद प्रिंटर की दिखाई दे रहा है कि प्रिंटर आपके स्टॉक में प्रिंटर 3 है और आपके रेट कितने हैं, 12000 आपके रेट, यानी कि इसके रेट दिखा रहा है। यदि आपको मान लीजिए ऐसे नहीं लिस्ट में सेलेक्ट नहीं करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप यूपीएस लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर यूपीएस की जानकारी ले सकते हो। अगर यदि आपको मान लीजिए यानी आपको सीपीयू के बारे में पता करना है, तो सीपीयू लिखिए, एंटर कर दीजिए, सीपीयू के बारे में जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है हमारा एच लुकअप और वी लुकअप फंक्शन, किस प्रकार से हम लोग एक्सेल में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग इसमें बनाकर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। ये होता है हमारा एच लुकअप और वी लुकअप। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो ज़्यादातर इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एच लुकअप फंक्शन क्या होते हैं और वी लुकअप फंक्शन क्या होते हैं, आप जानते हो, यही पूछा जाता है। और इसके बारे में हमें कितना देर पहले आप ही देखिए कितना आसान तरीका है समझने का और कितने आसान फंक्शन है, लेकिन इसके वजह से हम लोग इंटरव्यू में कभी भी इंटरव्यू में हम लोग फेल हो जाते हैं और हमें नौकरी नहीं मिल पाती है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एच लुकअप और फंक्शन और वी लुकअप फंक्शन को हम लोग यहाँ पर यूज़ करके देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, इस वीडियो के बारे में प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट में लिखकर। यदि वीडियो में कहीं पर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, बताइएगा कि मैंने कोई कहीं कुछ गलत आपको समझाया हो या गलत आप लोगों को मैंने बताया हो, तो प्लीज मुझे वीडियो में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ और नई टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना दोस्तों।